I'm a professional English Language instructor. Channel पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए बेल आईकॉन पे क्लिक कीजिए क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब का चैनल आपकी नॉलेज में लाजमी तौर पर इजाफा करेगा लेकिन एक मसला जो आपके साथ है वो हमेशा बरकरार रहेगा वो है बोलने का मसला और आज के सेशन का आगाज मैं डिस्कशन सेशन से ही करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर तीन महीने तक डिस्कशन क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट सेशन जो स्टूडेंट्स कल के सेशन में मौजूद नहीं थे उनको कोर्स कंटेंट के बारे में मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कोर्स कंटेंट हमारा स्टार्ट होता है बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं ये वो कोर्स कंटेंट है जो आपको ग्रामर प्लस स्पोकन क्लास के अंदर डिलीवर किया जाता है ऑफिशियली एंड वी प्रॉमिस वी कमिट हम इस बात का कमिटमेंट करते हैं प्रॉमिस करते हैं आपसे दैट यू विल बी डॉट ऑल दीज थिंग्स लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आपको अनऑफिशियली भी पढ़ा देते हैं ठीक है जैसे हमारी बीच में मेरी डिफरेंट वर्कशॉप आती हैं आर्टिकल्स के ऊपर प्रापोजिशन के ऊपर कंजंक्शन पे फ्रेजल वर्ब्स पर पॉजिटिव वर्ब्स पर पैसे के ऊपर नरेशन के ऊपर जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है लेकिन वक्ता फवक्ता तीन महीने के अंदर आप देखेंगे इस तरह के सेशन भी आपको मिलते रहेंगे दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू टाइमिंग्स की बात करते हैं तो हमारी जो रेगुलर टाइमिंग्स हैं वो सुबह दस बजे से लेकर और मुझे कन्फर्म कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स एक दफा फिर एम आई क्लियरली ऑडेबल टू ऑल ऑफ यू इफ यस दैट्स वेरी गुड मुझे जस्ट गिव मी अ मोमेंट आई विल स्विच फ्रॉम वन इंटरनेट टू अनदर इट विल टेक थर्टी सेकेंड्स

बाईस तेईस और चौबीस आपकी तीन दिन वर्कशॉप चलती है पच्चीस जनवरी से आप अपने रेगुलर क्लासेस का हिस्सा बन जाते हैं क्लासेस टाइमिंग की कोई कैद नहीं है आप जब दिल चाहे अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन भी होता है one one जो आपको सात से आठ में मिलता है मैं एक और चीज आपको ऐड कर दूं कल भी मैंने रात के सेशन में ऐड कर दी थी आपका एक और कॉम्प्लीमेंट्री सेशन आ रहा है ऑफिशियल नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो जाए जब दिल चाहे खत्म कर दें जब दिल चाहे स्टार्ट कर दें कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपका एक और कॉम्प्लीमेंट्री सेशन स्टार्ट हो रहा है उसकी टाइमिंग्स भी नोट कर लीजिएगा सुबह में बारह से एक रात में दस से ग्यारह यू आर गोइंग टू हैव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन विद यूएस क्वालिफाइड टीचर I repeat, you are going to have another complimentary session of accent and pronunciation training session with US qualified teacher. And the timings will be 12 to 1 in for the morning students or who are available in the morning and 10 to 11 at night. Right? So you are going to be lucky. Uh, और ये हम कोशिश करेंगे कि आपको लेवल वन के अंदर ऑफर करेंगे वाला सेशन लेवल वन के बाद फिर आप आपको तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े बिकॉज इन दिस सेशन यू नॉर्मली हैव ट्वेंटी लेक्चर्स बीस लेक्चर्स होते हैं अगर आप में से कोई रिक्वेस्ट करेगा तो हम उसको दोबारा वो सेशन दे देंगे बट फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ दिस इज वेरी फ्रूटफुल तो आपको फर्स्ट मंथ के अंदर ये सेशन ऑफर किया जाएगा अच्छा आई ऑलवेज एडवाइस स्टूडेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ माई वर्कशॉप आप पहले तीन दिन वर्कशॉप लें चार से पाँच सात से आठ और अगर आप आई एल्स प्रेपरेशन में इंटरेस्टेड है तो रात तकरीबन सवा दस से ग्यारह ये तीन वर्कशॉप्स मेरी हर मंडे ट्यूजडे वेटसडे को होती है आपको ऑफिशियली मुझे जब ज्वाइन करना हो तो आप अपनी फीस सबमिट करवाइए और मुझे ज्वाइन कर लीजिए फीस स्पोकन इंग्लिश की दो घंटे और एड होने जा रहे नौ फर्स्ट फेबर से हमारा प्रोनाउंसिएशन सेशन स्टार्ट होगा तो आपको फर्स्ट फेबर से नौ घंटे की लाइफ सर्विसेस मिल रही होगी छह डिस्कशन टीचर्स तीन आपके ग्रामर प्लस स्पोकन टीचर्स और एक आपकी

20 years of experience. एक घंटा पड़ा रोज आना पांच हजार से कम कोई भी टीचर चार्ज नहीं करता एक बहुत बता रहा हूँ आठ हजार से पंद्रह हजार बीस हजार रूपए एक घंटे के चार्ज करते थैंक्स टू अल्लाह देट यू है वेरी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म रियली इम्प्रूव ये ठीक है बेटा तो डिस्कशन सेशन की तरफ स्विच करते हैं और डिस्कशन सेशन से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप अपनी स्पोकन क्लासेस लेते हैं यू हैव अ प्रेजेंटेशन सेशन प्लस यू हैव डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक रोल प्ले डिबेट्स फ्लुएंसी टेस्ट एंड हु इज नेक्स्ट दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो रिकॉर्ड भी होते हैं जैसे ग्रामर क्लास के जितने भी सेशंस होते, होते हैं रिकॉर्ड होते हैं वी डू नॉट रिकॉर्ड स्पोकन क्लासेस वी डू नॉट रिकॉर्ड डिस्कशन क्लासेस ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते एंड वी ओनली अपलोड योर ग्रामर क्लासेस और ग्रामर क्लास के मेरे जो लाइव सेशन हो रहे होते हैं वो भी अब सारे अपलोड नहीं होते एक कॉन्टेंट को मैं तीन साल में तीन सौ पढ़ा चुका हूँ तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा हो सकता है वो एक महीने पुराना हो हो सकता है वो दो महीने पुराना हो लेकिन वो कंटेंट आपको रिकॉर्ड हुआ मिल जाता है है ठीक की ट्रेनिंग आपको दी जा चुकी है पेमेंट मेथड आपके सामने आ गया है आइए शुरू करते वो हैं वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर लीजिए जो एक्टिवली आज के सेशन में, में मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं और वो डिस्कशन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और मैं आपको डिस्कशन के बारे में भी गाइड कर दूं कल मैंने आपको स्पोकन क्लास के बारे में गाइड किया था आज मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं कि व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ डिस्कशन क्लासेस तो क्या होता है आपको मैंने अभी आपसे कहा ना कि एक तो कोर्स कंटेंट आपको मिल गया है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अब यहाँ का जो कोर्स कॉन्टेंट है वो तो मैंने बताया नहीं आपको लेकिन मैं आज आपको उसका पूरा एक रिव्यू दे रहा हूँ कि हाउ यू आर लर्निंग इन योर डिस्कशन क्लासेस तीन एपिसोड नजर आ रही है आपको आपकी डिस्कशन टीचर्स की तादाद छ है आप टंग पे काम करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको फर्स्ट मंथ में आपके प्रोनाउंसिएशन पे काम करें टंग ट्विस्टर्स रियली स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर वे ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी होती है आपकी डिस्कशन क्लास में मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ आपको ऐसा ना लगे कि अच्छा बस है, स्लाइड है मैं चलता रहता हूँ आप आगे देखते रहिए आपके पास कितने मुख्तलिफ ट आपके पास आते हैं कि आपको हर क्लास के अंदर मजा आ रहा होता है दैट यू आर प्रैक्टिसिंग अलॉट ऑफ टंग ट अच्छा उसके बाद वापस जाते हैं टंग ट्विस्टर इज वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ योर डिस्कशन क्लासेस राइट फिर नीचे देखिए कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्स आपको पता है देयर आर थाउजेंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर थाउजेंड ऑफ स्ट्रक्चर हाउ मेनी थाउजेंड ऑफ स्ट्रक्चर्स अब वो ना ग्रामर है ना वो टेंसेज है ना वो मॉडल है ना वो कंडीशनर्स है वो कौन पढ़ाएगा हम जब लैंग्वेज एकेडमी में होते थे तो हमसे स्टूडेंट्स एक ही चीज की रट लगा के रखते थे सर जी स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स पढ़ा पढ़ा दे सर जी पढ़ा दे हम स्ट्रक्चर्स पढ़ाते हैं डिस्कशन क्लासेस में अच्छा स्ट्रक्चर कोई ना भी पढ़ाए ना आपको तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है अब देखिये मैं फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है एज as फारिमे as जहां तक मुझे याद है जहां तक मैं याद कर सकती हूँ जहां तक मुझे समझ आ रही है वो एक नंबर का बहुत बड़ा झूठा है वो अब ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है जहां तक मुझे समझ आ रहा है जहां तक मेरी याद जा रही है अब इसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं ये तो कोई ग्रामर नहीं है ना ये स्ट्रक्चर्स होते हैं अब नीचे जरा देखते हैं ना आर यू यूज टू अब यूज टू ये भी एक स्ट्रक्चर है आदि होना आर यू यूज टू यूजिंग आर यू यूज टू लाइफ टू लिव आर यू यूज टू लिविंग अपट आर यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश एज फार एज आई एम कंसर्न as far as कलर is concerned as far as so far as

जैसे जैसे स्लाइड्स बदलती रहेगी एक नया स्ट्रक्चर आता रहेगा एंड आई एम अप टू लाइक थ्री हंड्रेड स्ट्रक्चर क्लासेस अगर अच्छा ये टीचर पे हमने पाबंदी नहीं लगाई है कि वो पढ़ाए समझाए भाई आप खुद पढ़ लीजिए और आपको खुद भी समझ आ जाएगा वी आर योर एम्प्लॉयज बट दिस डज नॉट मीन दैट समझ आ रही है ये बात क्या ये टीचर आपको समझाएगा हम आपके एम्प्लॉय हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वी मस्ट टू यू अनकंडीशनली इसका मतलब हम आपकी हर बात माने सर ठीक है ठीक है सर वी आर योर स्टूडेंट बट दिस डज नॉट मीन दैट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बट इट डज नॉट मीन दैट यू आर राइट अबाउट एवरी थिंग ठीक है आप हमसे बड़े हैं सर आप पित, हमारे पिता समान है पढ़ते पढ़ते जब आप डिस्कशन कर रहे हैं ना तो ये टंग ट्स्टर्स और ये कॉमनली यूज स्ट्रक्चर आपकी नॉलेज में इजाफा करते रहेंगे अच्छा फिर ये देखें आई सपोर्ट दिस मेजर बट इट डेट आई सपोर्ट यू विद Out reservation, I like you, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, but it, that does not mean that I will marry you. तुमने ऐसा कैसे सोच लिया संजना? ठीक है हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है यार मैं तुमसे शादी करूँगा, शादी मैं अपनी माँ की पसंद की लड़की से करूँगा. By the way, बोलते हैं ना by the way, by the way इस दिन आप bathroom इस दिन apartment भाई सा�

and uh, internet has become a necessity it's not a luxury it used to be a luxury but now it has become a necessary necessity for us it has become a compulsory part of our life internet 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 acha ab kuch bachchon ke zehn mein ye baat aa rahi hai sir ji hum to bol hi nahi sakte sir ji तो अब आप मेरे साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप डिस्कशन क्लास में हैं और आप नहीं बोल पा रहे हैं तो सर हम क्या करें कैसे करें कि हम बोल लें अभी 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 के अभी आप जाइए प्ले स्टोर के अंदर मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर है प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर, कर लीजिए आपके मुमकिन है कि मोबाइल फोन में ऑलरेडी मौजूद हो चैट जीपीटी मौजूद है अगर तो मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है अब देखें मैंने आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ ड्यूरिंग द क्लास आप ऐसा कर सकते हैं यू आर अलाउड टू डू दिस मैंने क्या करना है मैं सिर्फ चैट जीपीटी पे जाऊँगा मैंने थोड़ी देर के लिए मैं चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ अगर आप लोग मुझे इजाजत दें थैंक यू वेरी मच ये चैट जीपीटी आपकी स्क्रीन पर आने में सिर्फ तीन सेकेंड बचे हैं ये लीजिए ठीक है भाई ये आ गया आपका चैट जीपीटी ठीक है ये मेरी स्क्रीन के ऊपर है मैंने कहा संडे सवाल पूछा है, मैं बोलना चाहती हूं मैं नहीं चाहती कि मैं खामोश रहूं मैंने फौरन चैट जीपीटी पे गई कैन यू लिव ये ओनर स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं जो मेरे साथ लर्निंग का आगाज कर रहे होते हैं तीन महीने तक ये एक्टिविटी फॉलो नहीं करनी है फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वीक कि आप खामोश ना रहे कैन यू लिव विदाउट इंटरनेट राइट आप देखिए मैंने इसको मैंने इसको एक कमांड दे दी है टॉपिक लिख दिया राइट right, राइट पैराग्राफ अच्छा जो आप कमांड देंगे ना ये वैसे ही लिखता है चैट जीपीटी आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा अच्छा कैन मैंने यू की जगह पर क्योंकि ये एआई है तो वो कहेगा कि भाई मैं तो एक एआई आई हूं तो मैं तो रह सकता हूँ कैन समवन आप यू लिख दें कैन समवन लिव विदाउट इंटरनेट राइट अ स्मॉल पैराग्राफ आप देखे मैंने ये लिखा

मुझसे नहीं बोले जा रहे सर इतने मुश्किल वर्ड अब ये आपको देखें अब आप ऊपर वाला टेक्स्ट और नीचे वाले टेक्स्ट में डिफरेंस चेक करें कितना आसान और कितने कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए इसने श्योर पीपल कैन लिव विदाउट इंटरनेट इवन दो इंटरनेट इज इंपॉर्टेंट टू स्टिल हालांकि good lives without using it all the time instead of the internet they talk to each other in person send letters or use phones Aapko ideas bhi while the internet is handy not having it means you connect with others and get information in different ways making interaction more in, uh, intentional आप कोई सा भी टॉपिक यहाँ पर जाकर आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है आप जाकर के इस तरह से हेल्प ले सकते हैं मैंने ये आपको सिर्फ क्या सिखाया है कि आप किस तरह से खामोशी को तोड़ सकते हैं हाउ कैन यू ब्रेक द आइस कभी ये ना कहिएगा सर मैं तो बोल ही नहीं सकती जाओ चैट जीबीडी पे टॉपिक लिखो एंड स्टार्ट योर डिस्कशन वाई आर यू सिटिंग क्वाइट इन सर वो तो बहुत मुश्किल लिखता है उसको आसान कर दो कन्वर्ट इन टू सिंपल इंग्लिश आपको आसान करके दे देगा ठीक है बेटा लेट सी हु मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ हम इंटरेक्ट होते हैं सुंदस कैन यू लिव विदाउट इंटरनेट सुंदस अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम Okay, can you live without the internet? No, I can't live without the internet because uh, it connected me to my relative, to my family. It is very necessary in my education system. Uh, it's very useful, uh, other information through the mobile, through the laptop. That's fine. That's very good. Yes, Abir, what would you like to add? अबीर जुनेरा इकबाल वट वुड यू लाइक टू एट आप अनम्यूट पे क्लिक करेंगी तो आपका माइक ऑन हो जाएगा पात्मा अनम्यूट पे क्लिक करें आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा होगा

ओके okay, अब आपके पास बहुत आसान आसान कुछ और टॉपिक्स आ गए जिसपे हर बच्चा बात कर सकता है अच्छा हम कोशिश हमें पता है कि आज एक बच्चा है उसकी पहली डिस्कशन क्लास है तो हम ऐसे ही सवाल करते हैं जिस पर आप बात कर सकें अब आप पांच सवाल के जवाब देने जा रही है निमरा माय फेवरेट स्पोर्ट्स टू वॉच व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल अच्छा आप ख्याल रखिएगा वॉज लिखा हुआ है तो माय फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल वॉज what is your favorite tv show my favorite tv show is comedy with couple what is your favorite website <laughs> i love facebook what is your favorite season and why is pe aap thoda zyada bol sakte hain my favorite season is winter because i can uh, enjoy i can enjoy everything right yes let's see what does nimra say yes nimra assalam alaikum My favorite sport is uh, cricket, and my favorite subject uh, is English. I don't uh, like to watch TV. My favorite website is Facebook, and my favorite season is Spring. Thank you very much. Yes, next salam Okay. my favorite is sports is sports to watch uh, to watch is cricket my favorite subject in school was sindhi uh, and uh, i doesn't like any tv show and uh, also the website uh, my favorite season is winter because in winter we go uh, we go outside for a winter vacation therefore i like winter season that's very good that's very good yes uh, next saimali you have some different questions on the screen uh, assalamu alaikum sir wa what's your favorite animal uh, my favorite animal uh, is rabbit uh, and the second one is uh, what's your favorite app Application, so, uh, application 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 yeah yeah so uh, there are so many apps uh, and everyone uh, uh, like uh, many apps so but, uh, but I like most whatsapp because uh, uh, through uh, whatsapp I connect uh, uh, with my family members and relatives as well and uh, what's your favorite food uh, I like everything uh, uh, and i uh, I don't show dalliance uh, for uh, eating anything like uh, uh, did you get my point sir? yes 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 I... okay and what's your favorite holiday uh, i'm a housewife and uh, uh, because i housewife remain busy so that's why uh, there's no holidays for me <laughs> uh, i'm always time. busy या आई डायलॉग ऑफ माय वाइफ हमारी तो छुट्टी नहीं होती है यस एंड थर्ड लास्ट वन व्हाट्स योर फेवरेट मील ऑफ द डे फेवरेट मील या ब्रेकफास्ट यू माय फेवरेट मील या आई लाइक मोस्ट एंड यस दैट्स वेरी गुड दैट्स वेरी गुड अच्छा अब आपने बेटा देखे आपको वर्कशॉप का असल मकसद जो है ना मैंने आपको बार बार बताया कि वर्कशॉप से आपको अंदाजा होता है कि डिस्कशन क्लासेस का क्या रोल है किस तरह से आप इंटरेक्टिव सेशंस जो है वो अवेल कर रहे होते हैं ठीक है ना आज हमारा दूसरा लेक्चर है कल हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी अगर आप लोगों को याद हो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ कल के लेक्चर के हवाले से कल हम लोगों ने डिस्कस किया था

why can't we speak english fluently? why do we make lots of mistakes in english? so if you have any answer in your mind, please uh, let me know. and i'm also going to answer you uh, about this question. and then i will share some assignments with you after it. rooje is going to answer. let's see what rooje says. yes. sir.

Uh, sir so i would like to say uh, about this uh, thing that uh, uh, first of all uh, environment uh, we don't have any environment so this is why we can't uh, speak english uh, uh, very easily and uh, 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 since childhood uh, we used to listen and we used to read but uh, we can't I speak uh, uh, just because of environment okay just because of environment okay okay yes uh Lajiha. sir uh, in my opinion um i think that uh, there is always a, a way uh, for others to uh, feel um, ourselves ashamed about when we are talking in english and uh, this is the reason that that our environment is not very suitable uh, that even uh, if we start speaking uh, everyone tries always tries to pull the legs and make yeah. fun of it this, um, is a, this is one of the possible reasons. i have heard it many times that people actually do not use english for communication in our society if somebody is speaking someone will say "ow." देखते हैं इसको

बोले में हेजिटेशन हो रही है आई डोंट नो व्हाई आई स्पीक इंग्लिश आ जाएगा वो तो, 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 अभी वक्त लगता है जब हेजिटेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है हमें भी याद है व्हेन आई वाज स्टैंडिंग फर्स्ट टाइम इन माय स्पोकन क्लास माय लेग्स वर शिवरिंग माय हैंड्स वर यस आई वाज स्वेटिंग बट आई केप्ट वर्किंग हार्ड आई वाज नॉट स्ट्रेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये सबके साथ नेचुरल है सर सेम हेयर इस टाइम आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड यू आर स्पीकिंग इंग्लिश मजाक कर रही है वो होता Sir... है या इट्स इट इट हैपेंस ना दी इट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी बिल्ड अप आवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस वक्त के साथ आता है काश यस सर आई बोली होती तो मैं दे देता बच्चों को लिख करके आप ये पैना बोलिए यू विल हैव कॉन्फिडेंस सर अगेन रिपीट योर क्वेश्चन बिकॉज़ आई डिस्कपैक्टेड व्हाई आर वी बी के इंग्लिश हम अंग्रेजी में कमजोर क्यों हैं व्हाई कांट वी स्पीक गुड इंग्लिश दैट्स व्हाई आई सर आवर एनवायरनमेंट इज नॉट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश Because oh. people, a lot of people, loved when we speak in English. Okay. Uh, Zunaira, what do you say? Alaikum sir. as you so, uh, we Due to lack of practice of uh, grammar and lack of interest mostly we hesitate to uh, in front of other people and uh, most of the time uh, our society is not useful to speak uh, with fluence. So, we were we are unconfident to others. Okay. That's why. Assalamu alaikum. sir. assalam as so, sir, first of all, I agree with you that uh, people say uh, whenever we uh, go to speak English, people say uh, now look, uh, look at them uh, how they speak English. One of the biggest fear is that they look towards us, and we become we become start shivering and uh, we get confused. One of the uh, one of the biggest problem is that therefore we can't speak English, and uh, there are many reasons like uh, in, in our era and in pakistan our urdu is our national language so like environment is very important in our That people, people just always speak urdu so environment is a big thing okay thank you very much everyone and i really appreciate your point of view i am going to let you know the realities these are the factors whatever you have mentioned all of you these are the factors that uh, do not let us speak in english but what are the reasons that we cannot speak english fluently as i am your grammar teacher so i am going to talk grammatically right but i have listened to your points and i have told you that these are the factors Somebody is laughing, somebody is making fun of us, we don't have environments. If we have all these factors, remove all these factors, so we may start speaking fluent English. But, but since you started learning English as a subject, you have been learning content words. लेक्चर वन को लाजमी सुनिएगा हमारी जिंदगी में सबसे पहले आते हैं लेटर्स ठीक है बेटा लेटर्स के बाद हमारी जिंदगी में आए थे वर्ड्स वर्ड्स हमने words को जमा किया और वर्ड के बाद हम लोग निकल गए फ्रेज पर लेकिन मैं आपको बताऊं आप देखें हमारी नॉलेज में यहां पर कमी है जब हम वर्ड्स पर आते हैं तो अब आप देखें आपके पास दो तरह के वर्ड्स आ गए मैं सी डब्ल्यू लिख देता हूं याद रहेगा और मैं लिख देता हूं एस डब्लू यानी कि कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स यानी कि जब आपके पास कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में सही नॉलेज नहीं है तो यहां पर भी एक मसला पैदा हो जाता है अच्छा जिस जो नॉलेज ऑलरेडी है अलहमदल्ला वो क्या है नाउन हमें बहुत सारे याद है एजेक्टिव याद है एडवर्ब्स याद है वर्ब्स याद है वी ऑलरेडी हैव सो मेनी लेकिन पता है हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हमारे स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मान ले मेरी बात ये वर्ब है ये नाउन है ये एडजेक्टिव है ये एडवर्ब है स्टूडेंट्स कैन नॉट डिफ्रेंशिएट वर्ब नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब्स बट they they have so many noun verbs adjective and and adverbs in their memory aapki vocabulary banti hai, jisko और यही, कहलाती है आपकी, यही से आपकी word building पूरी किताब लिखी गई है word building पूरा एक chapter है वर्ड बिल्डिंग और वर्ड बिल्डिंग के अंदर हमें याद करें मैं आपको बचपन की बातें बता रहा हूँ शायद आप लोगों ने पढ़ी हो अपनी स्कूल लाइफ में उर्दू में लाजमी पढ़ा होगा आपने प्रेफिक्स और सफेक्ट्स उर्दू में कहते हैं साबके और लाके जब आप साबके और लाहके पढ़ते हैं तो आप वर्ड फॉर्मेशन वर्ड बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं हमें तो ये नॉलेज ही नहीं है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दैट हमारे पास वो कॉन्टेंट वर्ड्स मौजूद है और ये हमारी वोकेबलरी है तो अब सबसे पहली एक चीज हमें जो आने वाली जिंदगी में सीखनी पड़ेगी वो वर्ड बिल्डिंग है हमें और सफिक्स सीखने पड़ेंगे हमें आइडेंटिफाई करना कब आएगा जब हम वर्ड बिल्डिंग में काम करेंगे वर्ब अगर वर्ब है तो उसका नाउन कैसे बना है उसका एडजेक्टिव उसका एडवर्ब ये बाकायदा आपकी लर्निंग आपकी काबिलियत है जो कि नहीं है इस वक्त लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया ंग्लिश आंसर इज हम गरीबों को स्ट्रक्चुरल वर्ड्स तो कभी पढ़ाए ही नहीं गए ये है आपके सवाल का जवाब वाई आर वी वी के गेट स्टको पता है आप कोई सा भी सेंटेंस लिखते हैं कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं कोई भी कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करते हैं आपको स्ट्रक्चुरल वर्ड्स की जरूरत पड़ती है

उसकी टिप्स एंड ट्रेक्स है आर्टिकल प्रेपोजिशन आर कम्पल्सरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आप इसके बगैर अपने जुमले को जोड़ नहीं सकते आपके वर्ड्स जुड़ते नहीं है आप कोई सा भी पैराग्राफ उठा लीजिए उसके अंदर आपको आर्टिकल्स प्रेपोजिशन कंजंक्शन मिलेंगे आप में से कोई एक, एक स्टूडेंट मुझे हाथ उठाकर कर ये बता दे आई एम एक्सपर्ट इन दीज थ्री टॉपिक्स मैं उसको अपना टीचर मान लूंगा आपके टीचर ने आज तक बीस साल से ये अल्फाज नहीं कहे न कहेगा क्योंकि उसके टीचर ने जो चालीस साल से पढ़ा रहे ये नहीं कहता बल्कि तो चालीस नहीं अब तो सर को पैंतालीस साल हो गए पढ़ाते हुए जिस वक्त हम पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर का तजर्बा था उस वक्त तकरीबन पच्चीस साल हमें पढ़ाते हुए बीस साल हो गए तो सर का तजर्बा तो पैंतालीस साल हो जाएगा आज भी वो कहते बेटा जब भी कोई वर्ड याद करो उसके आगे प्रापोजिशन देख लिया करो कंजंक्शन के रूल्स को बार बार रिवाइज करते रहा करो आर्टिकल्स के रूल्स बहुत लूज है तो उसकी गलती को एक्सेप्ट कर लिया गया है बट प्रशनल मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल कंजंक्शन की जब मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्मेशनल एरर आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत लिमिटेड नॉलेज है कल की जिंदगी का आपका कल का जो दिन होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम है कल आप 24 घंटे के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी हर नस में घुसा दूंगा मैं इंशाल्लाह कल दोपहर का जो लेक्चर होगा वो स्टार्ट ही मेरा वर्ब से होने वाला है ठीक है बात समझ आ रही है अब आप देखिए मैंने एक बहुत आसान सा सेंटेंस लिखा है आप लोगों के लिए ही वेंट टू लाहौर विद फ्रेंड आप देख आप देखते रहिएगा कि आप एक छोटे से सेंटेंस में कितने प्रपोजिशंस और कितने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और कितने कंजंक्शंस ये देखिए बट और द दो कंजंक्शन और आर्टिकल उसके बाद फिर कंजंक्शन आ गया ये तो ये आपकी राइटिंग में मिस्टेक्स क्या है आइल्स के स्टूडेंट्स की राइटिंग में सबसे ज्यादा मिक्स मार्क्स कहाँ कटते हैं आर्टिकल्स का प्रोजिशन कंजंक्शन एक स्टूडेंट मुझसे कहते हैं आप राइटिंग की इवेल्युएशन कर दे मैं नहीं करता मुझे उसको आर्टिकल्स प्रपोजिशन कंजंक्शन पढ़ाने पड़ेगा आ रही है बात समझ आप देखिए आई एम गोइंग टू लाहौर आई एम गोइंग टू लाहौर विद माई सन ऑन सैटरडे बाय डाइवो at 9 to attend an important अब आप एक छोटा सा कितने सारी है। और हम आप मुझे ईमानदारी से टिक और क्रॉस लाकर बताइएगा कभी जिंदगी में आज से पहले इंग्लिश को रीड किया तो इन चीजों को फोकस किया टिक और ला लाकर बताइएगा आपके पास टेक और क्रॉस का ऑप्शन होता है आप चैट में लिख सकते हैं वेरी गुड। एक क्रॉस आ गया। बहुत सारे क्रॉस आएंगे नहीं सर और अगर हम कर लेना तो हमारी राइटिंग और स्पीकिंग की खत्म हो जाए अब आप यहां देखिए मैंने ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और फिर मैंने उन सेंटेंसेस को जोड़ दिया जब आप एक सेंटेंस को बोलते हैं तो वहां पर इतने कंजंक्शन नहीं आते लेकिन जब आप उसको जोड़ते हैं तो देखे कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है देख रहे हैं आप कंजंक्शन आपको आई यूजली और आगे देखिए मुझे प्रपोजिशनल फ्रेंड्स एंड वर्ड्स को कभी फोकस नहीं करते आज के बाद जब भी आप कोई भी चीज रीड करेंगे आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए आर्टिकल्स प्रपोजिशन देख रहे आप आज के बाद जब भी कोई चीज रीड करेंगे बेटा तो आपको एक काम करना है आप आर्टिकल्स प्रशन और कंजंक्शन को लाजमी रीड करें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी राइटिंग की मिस्टेक्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी आपकी स्पीकिंग की मिस्टेक्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं रियली गुड एट इंग्लिश अब गुड के बाद भी लोग इन लगाते हैं गुड इन इंग्लिश

विद uh, आइडियाज क्योंकि कन्जंक्शन का मतलब ये है लिंकिंग वर्ड्स अगर आपको कंजंक्शन नहीं आते तो आप तो कभी कंपाउंड सेंटेंस ही क्रिएट नहीं कर सकते कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कभी क्रिएट नहीं हो सकेगा तो सर अब इतने मसले तो आपने बता दिए एंड दिस इज द रियलिटी दीज आर द रीजन वाई कार्ड वी स्पीक गुड इंग्लिश वाई कार्ड वी राइट गुड इंग्लिश यही वो तीन वजुहत हैं कि हमें तीन चीज़ों पर नॉलेज नहीं है तो सर मसला तो बता दिया सॉल्यूशन भी दे दीजिए जितने भी लैंग्वेज लर्नर्स यहाँ पर बैठे हुए और जितने भी ऐसे स्टूडेंट आपको तीन घंटे का एक असाइनमेंट दे रहा हूँ अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा अभी जैसे मेरा भी ये सेशन डिस्कनेक्ट होगा आपके पास तीन सपोर्टिंग लेक्चर्स आएंगे वो तीन सपोर्टिंग लेक्चर्स तीन घंटे के अंदर अंदर आपको सुनने हैं आपके पास आज का दिन है कल का दिन है आने वाले दिनों में दो दिन और है अगले हफ्ते जब आप मंडे का सूरज निकले तो आपका आर्टिकल्स का लेक्चर आपके दिमाग में हो आप उसकी पीडीएफ को पढ़ चुके हो हों आप आर्टिकल्स का टेस्ट दे चुके हो प्रजिशन की एक्सरसाइज की तादाद है तकरीबन बारह जो आपको रोजाना एक दिन करनी होगी मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है किस तरह से आपको प्रेपोजिशन की डेली प्रैक्टिस करनी है कम से कम 400 से 500 सौ प्रापोजिशन में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा उस पीडीएफ के अंदर और उसके बाद कंजंक्शंस कंजंक्शन के ऊपर आपको पीडीएफ भी मिलेगी लेक्चर भी मिलेगा और आपका एक टेस्ट भी आएगा ठीक है बेटा वाई आर वी वीक इन इंग्लिश बिकॉज वी हैव पुअर नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चुरल वर्ड्स और जाते जाते मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दू स्ट्रक्चुरल वर्ड्स आर मीनिंग लेस बट दे मेक योर सेंटेंस मीनिंग फुल स्ट्रक्चरल वर्ड्स की अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं सर सात बजे के सेशन में आज, आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं सात बजे के सेशन के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ अगर आप मसरूफ हो तो लाजमी तौर पर सात से आठ का रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा लेकिन उस लेक्चर को मेरे जितने भी वर्कशॉप में लेक्चर्स होते हैं ये आपके कोर्स के ही लेक्चर्स हैं सो डू नॉट मिस देम ठीक ना आप एडमिशन ले, ले या ना ले वो आपका मसला है लेकिन व्हेन यू ज्वाइन आस मैं आपसे कहूंगा बेटा मैं आई हैव ऑलरेडी डन विद लेक्चर्स एंड वर्कशॉप्स तो मेरा आपका आज सात बजे का जो सेशन है वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब के ऊपर है ठीक है हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब के ऊपर हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बात करेंगे आपसे ट्रांजेटिव वर्ब और इन ट्रांटिव वर्ब और आज शाम को आपको वन टू वन डिस्कशन सेशन का भी एक डेमो होगा कि किस तरह से आप वन टू वन डिस्कशन करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ठीक है मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो फॉर फीमेल्स ओनली होता है हमारे पास और जो आय प्रिपरेशन का कोर्स होता है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है टाइमिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा इसी टाइमिंग्स के मुताबिक आप अपनी क्लासेस लेते हैं सुबह में दस से बारह दोपहर में तीन से पांच और रात में आठ से दस पच्चीस जनवरी से ये जो कोर्स चल रहा है ये आपका पच्चीस जनवरी को आप अपना लेक्चर नंबर फाइव मेरे साथ अटेंड करेंगे ठीक है ना ये आपका दूसरा लेक्चर था सात बजे आज आपके साथ तीसरा लेक्चर होगा कल चौथा और पांचवा लेक्चर होगा और पच्चीस जनवरी को लेक्चर नंबर सिक्स होगा अच्छा ये बात भी बता दू कि मेरा दिन में एक ही लेक्चर होता है और वही रिपीट हो रहा होता है दिन में तीन जब आप रेगुलर क्लासेस में आते हैं जो चीज आप सुबह में पढ़ेंगे वही दोपहर में वही रात में तो ये बात जहन से निकाल दें कि आपको सुबह में कुछ और पढ़ाया जाएगा शाम में कुछ और रात में कुछ और वर्कशॉप में ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको जितनी भी इंट्रोडक्टरी क्लासेस है वो हम आपको दे दें और उसके बाद अपना आप रेगुलर कोर्स की तरफ चले जाए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू सो वेरी मच इनशाला see you at uh, seven o'clock with the uh, lecture number three up now whatsapp check na please